बेटा तुम यूं अचानक? आओ अंदर आओ। क्या मैं ऐसी बीवी के साथ नहीं रह सकता जिसके दिलो दिमाग पे किसी और का कब्जा हो? इसलिए बेहतर होगा आप मुझसे राब्ता करने की जहमत ना कीजिए। तो फिर आज हमारा दुश्मन चोरी छिपे किसी से मिलने जा रहा है, बस उस पे कड़ी नजर रखना। मैं यहाँ पे तुम्हें ये वार्न करने आई हूँ कि बड़ी मुश्किल से मैंने अपने माजी का जान छुटवाई है और मैं नहीं चाहती कि मेरे माजी की कोई भी याद मेरे प्रेजेंट को खराब करे। कहाँ गई है वो? वो अपनी दोस्त लाइबा के यहाँ, उसका बेटा हुआ है ना। कौन लाइबा? फारामी रेहान आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है अब आपकी? मुझे क्या हुआ, वैसे भी जिन माओं के पास तुम्हारे जैसे फरमाबरदार प्यार करने वाले बेटे हो उन्हें कुछ नहीं होता। खुश रहो बेटा, जीते रहो। क्या बात है, ऐसे क्यों बैठी हो? नहीं आज दोपहर में कुछ ज्यादा ही खा लिया मैंने। खैर तुम अब इतना कह रहे हो तो खा ही लेती हूँ। बैठे। अरे भाई कोई हमसे भी पूछ ले। असल में आप सो रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा आपको इस तरह डिस्टर्ब करना। मुझे नहीं खाना, रोज रोज एक ही खाना बनता है इस घर में। अरे मेरे फम्मी मेरे फहीम, तुम्हारी प्यारी ममानी जान तुम्हारी वजह से रोज रोज नई डिशें बनाती तो हैं, है? कभी चाइनीज कभी कुछ। आज कुछ ज्यादा ही मसरूफियत थी इनकी शायद, तो इस वजह से कल वाला ही खाना गर्म करके रखते। क्यों मैं ठीक से अच्छी हूँ ना? नहीं अब असल में मैं आज घर पे नहीं थी तो बस सीरियल। हो कहाँ गई थी? अम्मी के घर। अच्छा तो आज चाय तो खूब ही होगी। कहीं से कुछ मालूम तो नहीं हो गया? अम्मी बेटा अगर आपको ये पसंद नहीं है तो फिर बाहर से कुछ मंगवा लो अपने लिए। अम्मी आप भी मंगवा लें अपने लिए कुछ बाहर से। अरे असद मियां हमें तो यूं लगता है जैसे चोट हमारे सर पे नहीं हमारे मेदे पे लगी है, भूख खत्म हो गई है। चलो फिर इतना तुम कह रहे हो तो एक बार रोस्ट मंगवा लो और साथ में फालूदा ऑर्डर कर दो, अगर दिल चाह तो खा लेंगे कुछ। ठीक है और हमारी चांद सी बेटी वानिया क्या खाएगी? मामू मैं तो चरखा खाऊंगी। ओके मारिया तुम भी अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लो बाहर से। ठीक है। अच्छा सुनो मेरे लिए ना कुछ साथ में स्पेशल चाय भी ऑर्डर कर देना, तुमसे इतनी पी है दिल चाह गया। मंगवा देते हैं। बेबी यार लाइट बंद कर दो यार, मुझे नींद नहीं आ रही इस तरह से। पर खुद कर लो ना, वैसे ही मेरी जिंदगी में तुमने अंधेरे भर ही दिए। आखिर चाहती क्या? मैं 50,000 दफा बता चुका हूं कि नताशा के साथ मेरा कुछ भी नहीं है। खुदा का वास्ता है अपने दिमाग से इस खन्नास को निकाल दो, अपनी भी जिंदगी सुकून से गुजारो मुझे भी सुकून से रहने दो।
कसार मियाँ, जिन्हें घड़ी से आगे भागने की आदत हो जाए ना, पुरसुकून इन दोनों वैसे भी नहीं आती। तुम लाइट बंद कर रही हो या नहीं? नहीं। हाँ बेबी, क्या हुआ? कब से कॉल कर रही हूँ, बताओ तो क्या हुआ? मारिया गई थी? हाँ भाई, गई भी थी और पकड़ी भी गई। अच्छा, क्या हुआ? किससे मिलने गई थी? इतनी मासूम भी मत बनो, तुम्हें तो सब पता है। उसी फहद से मिलने गई थी जिसे तुम मोहब्बत करती थी। मैं उससे मोहब्बत नहीं करती थी, बस पसंद करती थी। फिर किस्मत ने मेरे साथ एक अजीब सा मजाक किया और मुझे रिहान के हवाले कर दी। डोंट वरी, हाँ मैं तुम्हारी पक्की वाली दोस्त हूँ, नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी तुम्हें। मुझे डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि रिहान इस सब से वाकिफ है। देखो ना, तुम्हारे भड़काने पे तो फहद ने मारिया को तलाक दी थी। है? ये भी बहरहाल है तो एक अहम मसला। खैर, शुरू में तो वो बात कर नहीं रही थी उससे। मामला बहुत खराब हो गया है, कहीं इस चक्कर में रेहान को इल्म ना हो जाए। बेबी से मैंने दोस्ती तो कर ली, लेकिन वो पलट कर कभी भी वार कर सकती है। काफी खतरनाक चीज है। मारिया, कैसी हो? ठीक हो? वो मैं ये जानना चाह रही थी कि तुम फहद से मिल ली, क्या कहा उसने? कुछ खास नहीं। कुछ खास कहा नहीं या तुम मुझे बताना नहीं चाह रही हो? हमारे पास जो कुछ था शेयर करने के लिए हम कर चुके हैं। अलबत्ता रीवा, तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा छुपाने के लिए। मारिया, आ जाओ। दरवाजा क्यों बंद कर रही है बेटा? तुमने तो मुझे कल डरा ही दिया था। ठीक कहती थी, अरीबा को आज के बाद कोई भी बात पता नहीं चलनी चाहिए। वो किस तरह मीठी छुरी बन के हमारी जिंदगी में जहर घोल रही है। अम्मी, काश के तुम मेरी ये बात पहले मान लेती तो आज ये सब कुछ ना देख रही होती। लेकिन चलो, देर आए पर दुरुस्त। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो अंदर से इतनी जहरीली होगी। अम्मी, मैंने उसको अपनी बहन समझा, उस पर भरोसा किया, उस पर एतबार किया, और उसने सिर्फ मेरी जिंदगी में कांटे बिछाए और कुछ भी नहीं। क्या खुसर पुसर चल रही है दोनों में? सुनाई नहीं दे रहा। दरवाजा देखो, कौन जी?
मैंने सोचा चाय पूछ लूं। हाँ। क्या बात है, जब से फाद से मिली हो मुझसे उखड़ी उखड़ी हो। अगर किसी गलतफहमी की बुनियाद पर नाराज हो मुझसे तो डिस्कस करो, खुल के बात करो। यूं कमरा बंद करके बैठने से कुछ नहीं होता। जिसमें जितना जर्फ होगा उसी तरह रिएक्ट करेगा ना। और मैं क्यों किसी से नाराज होने लगी? जो शख्स सिर्फ शक की बिना पर तुम्हें तलाक दे सकता है, कुछ भी कर सकता है मारिया। हो सकता है तुम्हें और कमजोर करने के लिए तुम्हें मेरे ही खिलाफ भड़काकर हम दोनों में फूट डलवाना चाहता। और ये मत भूलो कि अर्शद भाई को अब तक कुछ भी नहीं पता। ये ना हो इस मामले के चक्कर में उन्हें भी भनक पड़ जाए। चुप करो बिया, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। तुम सुकून से बैठो, चिल करो, मिलकर उस फाद को सबक सिखाएंगे। क्या समझता है वो ब्लैकमेलर? उसको लगता है वो तुम्हें ब्लैकमेल करेगा तो तुम बदनाम हो जाओगी और हजरत भाई तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम उसके कदमों में जाके गिरोगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। हाँ मैं हूं तुम्हारे साथ, मिलकर निपटेंगे। मैं चाय लेकर आती आप लोगों के लिए। हाँ दस बज के नाश्ता कर लें फिर लेबोरेटरी जाना है। हाँ ले आओ जल्दी से। वो मारिया आई है, परेशान है, उससे देख लें क्या मसला है। क्या? मुझे लगता है रीबा ठीक कह रही थी, कहीं ये बात का बिछाया हुआ जाल ना हो। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। खैरियत मारिया? आज सुबह सुबह वो असल में इतने दिन हो गए थे अम्मी से मिली नहीं थी तो सोचा घर आऊं और अम्मी से भी मिल लूं। बेटा सब खैर है, फिक्र की कोई बात नहीं है। फहद की कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हें? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। असल में वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो सोचा घर आऊँ, घर आके रेस्ट करूँ, अम्मी से मिलूँ। आप फिक्र ना करें, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो तुम्हें तंग कर रहा है तो मुझे बताओ, मैं अभी जाकर पुलिस में रिपोर्ट कराता हूँ। अरे नहीं भाई, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप रिलैक्स करें। और अज़द कैसे हैं? अभी तक तो ठीक ही हैं बस। अभी तक मतलब? किसी बात का डर है तुम्हें? नहीं वो बस मुंह से निकल गया। सब कुछ ठीक है, फिक्र नहीं करें आप। चले मैं चलता हूँ ऑफिस। ओके खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। कसम से मुझे अजीब उलझनों में, अजीब कश्मकश में ना अरीबा पे यकीन आता है और ना ही फहद पे, क्योंकि कमजोर तो वो भी बहुत है ना। ठीक कहती हूँ। आपने मारिया से बात की? हाँ लेकिन इस बारे में नहीं। जरूर फहद उसे बहुत परेशान कर रहा है,
पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या दुश्मनी हो गई है उसकी मारिया से, हाथ धो के उसके पीछे ही पड़ गया। अति घटिया निकला है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है उसमें कि कोई बात करे। आपको लगता है वो बोस्टर है? तुम्हें कोई शक है क्या? नहीं, शक नहीं है, लेकिन इसमें ज्यादा खतरा है क्योंकि ऐसे लोग छुप कर वार करते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। वैसे मैं कौन से माह में पैदा हुई थी? माँ तो हमें याद नहीं पड़ता, हाँ बता ये याद है कि जिस दिन तुम पैदा हुई थी ना उस दिन चांद ग्रहण था। फिर मेरी क्या गलती, इसीलिए शायद मैं इतनी चालाक हूँ। हाँ हाँ, अन्ना बख्शे तुम्हारे अब्बा को, कहा करते थे कि हमारी बेटी का बड़ा इकबाल बुलंद होगा। इकबाल से क्या मतलब तुमको? हो सकता है अलामा इकबाल से मिलाते होते। अल्लाह बख्शे अब्बा को। आपस की बात है, अपनी बहू पे भी जरा नजर रखा कीजिए आजकल आप। वो उस दिन असजद ने डांट लगा दी थी तो बात आई गई हो गई, लेकिन आपको भी चाहिए ना उससे कुछ खिदमतें कराएं, फर्ज बनता है आपका। मैं आगे पीछे लगा के रखी हूँ उसे, वरना बता रही हूँ हाथ से निकल जाएगी आपको। तो तुम बिल्कुल ठीक रहे, हमें मारिया की लगामें खींचनी होंगी। देखो जरा कैसे सीधा करते हैं हम उसे। इसे चालाकी वलाकी वाली बातें जो है ना मजाक की हैं, हम दोनों बहुत भोले हैं, बहुत भोले। पता नहीं कहाँ कहाँ से हमने भेदी जमा कर ली है अपने घर में। जो बात है, तुम मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ। मैंने किया है सब कुछ, तुम निकल जाओ मेरे घर से, चले जाओ। कितने दिन गुजर गए, इतना करीबी रिश्ता और कोई रब्ता नहीं। अंबर तो वैसे भी कतर में, आज खैरियत दरियाफ्त कर ही लो। Thank you.
ਅੱਛਾ ਸਭ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਟੁੱਟਣੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਟੁੱਟਣੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਫਾ ਮੇਂ ਲੂਟ ਮਚੀ ਰੇ ਲਿਪਟ ਵਫਾ मुझे तो पता नहीं चला। मुझे तो खुद पता नहीं चला उसके आने का। क्या मतलब किसके आने का? आप किसकी बात कर रहे हैं? Not feeling well, needles check. क्या कह रहे हैं? तो आप ठीक है? बुखार तो नहीं है आपको? मेरे पास उन्हें उठें चलें, हम डॉक्टर के पास चलते हैं, प्लीज उठें। प्लीज मेरे से एक ग्लास जूस ले। मैं लेकर आती हूँ। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ कि मेरी जिंदगी से दूर रहो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जिस आग में मैं जल रहा हूँ तुम्हें भी उस आग में जलना पड़े। हो गया प्लान आप लोगों का? उठो, घर चलो। हाथ छोड़ो मेरा। हाँ तुम्हारा मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें छोड़ेगी अब ये। घर चलो और आइंदा तुम्हारा ऑफिस आना बंद। बिहेव योरसेल्फ। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? ऐसे दर्द छुपा के बैठे जैसे कोई जमाना। तुम क्यों आ रहे हो मेरी जिंदगी में वापस? अच्छा क्यों? अपनी जिंदगी में कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती तुमसे। तुमने मेरी जिंदगी के 10 बेहतरीन साल पहले ही छीन लिए। आखिर अब क्या चाहते हो मुझसे? कितना रोगी बेटा, मैं सब खत्म भी कर दूं। मम्मी सच में खत्म कर देना चाहती हूँ, लेकिन कभी अशरद कभी जमाल मुझे कुछ भूलने ही नहीं देते। आपको पता है अभी अशरद आया था। अशरद आया था? लेकिन क्यों आया था वो? इससे पहले तो उसने तुम्हारी कोई खबर नहीं ली, फिर अचानक आज कैसे आ गया? क्या उसे तुम्हारे यहाँ आने की खबर मिल गई है? मेरे आने की खबर या मेरे सर पे खड़ी तलाक की खबर? ना ना करे, उसे अच्छी बात निकालो। और देखो बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि जमाल का जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, वो तुम्हें खुद यहाँ से आके ले जाएगा। अब क्या लेने आएगा अम्मी? जिस बेरुखी के साथ उसने मुझे घर से निकाला है ना, वो मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने नहीं आया। जमाल को तो फिर भी माफ कर सकती हूँ, लेकिन अशरद को? अशरद को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे बर्बाद करने में सिर्फ उसका हाथ है। आज जिस हालत में हूं ना, उसकी वजह से हूं। क्यों, अरशद ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं अम्मी, कहता अगर मैं कोई मौका देती, पर मैंने तो उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। वैसे मुझे लगता है कि उसे मेरे आने की खबर नहीं थी। वे बेदर्दा
दूरी तो नहीं, बात सिर्फ जुबान के जरिए हो, उसकी एक लम्हे की नजर ने बहुत कुछ कह दिया। रोमांटिक फिल्म चल रही है, अब तुमसे डायरेक्ट बात होगी मारिया। टॉर्चर करने का मजा तो मौत से पहले तक है, मरने के बाद तो अजियत वैसे ही खत्म हो जाती है। वहम का इलाज तो किसी के पास भी नहीं है। तुमने खुद डेस्परेट होकर मारिया को तलाक दी थी, मेरा इसमें क्या कसूर है? इस सब में मुझे मत घसी दो फहद। हैरत की बात है रीबा, तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में उलझ के बैठ जाऊंगा, मगर अब नहीं, अब मैं तुम्हारी बातों में आकर मजीद बेवकूफ बनने वाला नहीं हूं। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूं कि मेरी जिंदगी से दूर रहो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जिस आग में मैं जल रहा हूं तुम्हें भी उस आग में जलना पड़े। मैं हेलो, ये किसकी पास आ गई है ये वीडियो? किसने मुझे फाल से मिलता हुआ देख लिया? कहीं ये फहद ने फोटो रिकॉर्ड नहीं करवाई है मुझे ब्लैकमेल करने के लिए? डिलीट कर दूं या नहीं? मुसीबत में फंस गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन बात तो करनी चाहिए ना मुझे फहद से। नहीं, मैसेज ही कर लेती हूँ। आप कौन हैं और ये वीडियो मुझे सेंड करने का मकसद क्या है आपका? मेरे अगले मैसेज का वेट करो, फिर मैं जैसा कहूं तुम वैसा ही करना। या अल्लाह, मुझे उस जुर्म की सजा बार बार क्यों मिल रही है जो मैंने किया ही नहीं? अब ये कौन आ गया और क्या चाहता है? ये फहद मुझे अरीबा से गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रहा है? आखिरकार इस बार इसका क्या मकसद है, क्या चाहता है ये? Thank you.
सबर नहीं हो सकता था, चल बाद में दे देती, नींद खराब कर दिया हमारी। अम्मी माजरत, मुझे पता नहीं था कि आप सोए भी हैं। वो असल में मुझे ना अम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं उनको डॉक्टर के पास ले जाऊँ? मैं रात को वापस आ जाऊँगी असजद के साथ। अरे जो दिल में आए करो, हमसे मत पूछो, हमें सोने दो। ऑर्डर्स है ना, वो टाइम पर वहाँ पहुँची होती। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। कैसे फ़ोन किया? वो असल में अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो आपके आते हुए शाम को मुझे वहाँ से पिक कर लेंगे? हाँ ओके, मैं इस वक्त ज़रा मीटिंग में बिजी हूँ। बाबू जी ओके। क्या करूँ अल्लाह ताला, परिवार पर मुझे एतबार और भरोसा तो बिल्कुल ही नहीं होता, लेकिन बात तो करनी होगी ना उससे। सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, हमें उससे प्राइस पर रीनिगोशिएट करना होगा। हाँ कल जा रहे हैं ना, तो इस सिलसिले में बात कर लेंगे। लास्ट टाइम गए थे तो बहुत बिजी थे, इस दफ़ा थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। कुआलालंपुर एक खूबसूरत जगह है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए वहाँ पर। हो गया प्लान आप लोगों का, ऑटो घर चलो। पोरे हाथ छोड़ो मेरा। हाँ तुम्हारा मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें छोड़ेगी अब ये। घर चलो और आइंदा तुम्हारा ऑफिस आना बंद। बिहेव योरसेल्फ, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? उस दिन ही मैं चुप रही कि शायद तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी, बट यू आर इम्पॉसिबल। कोई मौका हाथ से जाने मत देना मुझे जलील करने का, तो बस कर दो हमें जलील करना बार बार, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। यही चेक करने आई थी कि ऑफिस में तुम दोनों करते क्या हो, हुँ? ये काम होते सैर सपाटों के प्रोग्राम बन रहे हैं यहाँ पे। अभी अज्जत से बात करती हूँ। अच्छा आप समझी, मैं अज्जत नहीं है ऑफिस में जब ये दोनों प्लानिंग में कामयाब हो रहे थे। क्या बात है मेरा बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? वो पापा मैं अपनी मामा डॉल ढूंढ रही हूँ। अभी मामा डॉल में मैं अपना हेयर क्लिप ढूंढ रही हूँ। कौन सा वाला? ये वाला? ओ यस। आपने अपने कमरे में नहीं रखना था? अस्सलाम वालेकुम, कैसे भी निकले मेरे पास हो? अरे भाई इससे क्या हो गया, मैं जब भी आती हूँ ये भाग के चली जाती है मुझसे। नाराज है तुमसे, तुम्हारी शादी हो गई है ना, अब इस घर में होती नहीं हो, थोड़ा सा वक्त स्पेंड करोगी ठीक हो जाएगी। अच्छी है, शायद ठीक कह रहे हो। खैरियत है, कोई काम था या वैसे ही अम्मी से मिलने आई थी? वो मेरा अम्मी तो खुद ही चली गई डॉक्टर के पास अकेले। देखो जरा मैंने कितना अम्मी को समझाया लेकिन वो कहाँ किसी की सुनती है भाई। मैं जरा नूर को देख क्या। नूर बेटा। हिबा मुझे एक्चुअली तुमसे ही बात करनी थी। जब दिल में एतमाद ना हो तो बात करने का फायदा नहीं होता, पहले अपने दिल से मेरे लिए सारे वसवसे दूर करो फिर मुझसे बात करना। क्या हो गया तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ा डिस्टर्ब थी इसीलिए शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सोच भी नहीं सकती थी मारिया कि तुम मुझे इस नज़र से भी देख सकती हो। वेरी डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत दुखी हूँ तुमसे। मैंने तुमसे कहा है ना कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम और मैं तुम्हें बताती हूँ, आओ ना।
जानता हूँ कि तुम नाराज हो और तुम्हारा नाराज होना बनता भी है, और इससे तुमसे बदतमीजी भी बहुत की है, और इस बात की मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, लेकिन उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। I can't believe this. हद होती है, मुझसे आज तक किसी ने इतनी बदतमीजी से बात नहीं की। अभी असजद से बात करके उसकी ऑफिस में एंट्री बंद करवाती हूँ। यस सदाशिव। असजद, मुझे तुमसे बहुत सीरियस बात करनी है। हाँ बोलो। तुम्हारी सिस्टर बेबी ने अभी मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। क्या कहा उसने? वो समझती है इनके साथ और मेरा अफेयर चल रहा है। दिमाग खाना बोके वो आई, उसने देखा, उसके बाद पता नहीं एकदम से वो ब्लास्ट किया उसने मेरे ऊपर, उसके ऊपर। मतलब वो समझती क्या अपने आप को, क्यों कर रही है ये सब? वो मुझे यकीन नहीं आ रहा बेबी इतनी सी बात पे इतना बड़ा हंगामा कर। सीरियसली उसका बहुत बुरा बिहेवियर था और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। या तो उसका ऑफिस में आना जाना बंद करो या उससे वार्न कर दो कि मेरे सामने तो आने की कोशिश मत करे। मैं उसे समझाऊंगा और अभी जो कुछ हुआ उसके लिए मैं खुद माफी मांगता हूँ। I'm really sorry. Your apology is not accepted. Because it's not your fault. माफी अगर किसी को मांगनी चाहिए तो वो है तुम्हारी सिस्टर। नताशा, और बेटा बेटा चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम घूमने चलेंगे। सच में बाबा? जी। ओके, बट मुझे रेडी कौन करेगा? मामा करेंगी, भेजता हूँ मैं अभी। और वॉफल्स भी खाऊंगी। ओके जा जल्दी से। यार एक चम्मच दे। अरीबा, वो नूर को जरा तैयार कर दो, मैं उसे घुमाने बाहर लेके जा रहा हूँ। कहाँ? सोचा नहीं है, किसी अच्छी जगह पर ही जाऊंगा। अच्छा ठीक है, इन लोग को जाने तो फिर मैं बात करती हूँ। मैं भी रेडी। कुछ छुपा रही हो मुझसे मारियन? नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्यों छुपाऊंगी आपसे? पक्का? नहीं, वो जब आया तो फोन पे कुछ दिखा रही थी और फिर एकदम से खामोश हो गई। नहीं नहीं, वो फोन में तो मैं अरीबा को अपनी और असजद की पिक्चर्स दिखा रही थी। अच्छा मारिया, अगर कोई परेशानी हो तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा तो मुझ पे कर सकती हो। आप बेफिक्र रहें, मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगी। मैं जानता हूं तुम अब ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे जिससे हमारी बदनामी हो। खुश रहो। थैंक यू।